हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राहुल कुशवाहा। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि है एग्ज़ाम डोज फॉर फाइनल ईयर एस्पिरेंट। आप सभी को भी पता है कि गवर्नमेंट ने आपके एग्ज़ाम कराने के लिए बात बोल दी है, तो आपके एग्ज़ाम तो होने हैं, कन्फर्म है। तो आप कैसे क्विक रिविज़न करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पर, तो उससे उसके रिगार्डिंग मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेक्टोसाइक्लिक कंपाउंड। है आप सबने बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ रखा है, तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे इसका। तो हेक्टोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो वन लाइन में अगर इसको हम देखें, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच अदर देन कार्बन वन और मोर हीटरो एटम प्रेजेंट। दैट इज, अगर हीटरो एटम की बात करें तो हीटरो एटम मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। इन्हीं को ही बेस हम लोग बेसिकली यूज़ की करते हैं। तो अब यहाँ से जब बात करते हैं, तो जो देखो साइक्लिक रिंग की बात की गई है, तो साइक्लिक रिंग में हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, तीन टाइप की हम लोग बात करते हैं। एक होगा 5 मेंबर, एक होगी 6 मेंबर, और एक इन्हीं को कंबाइन करके कंडेंस फॉर्म बात करते हैं, कंडेंस बना लेते हैं, तो वो कंडेंस फॉर्म होता है या फ्यूज्ड फॉर्म हो सकता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले 5 मेंबर की बात करते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3 हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, दैट इज फ्यूरॉन, थायोफेन और पायरॉन। तो इनके इनके थ्रू आपको क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज में जो आपको याद रखना है वो क्या है। सबसे पहले जो ये हीटरो एटम अटैच्ड है, जैसे इन केस हम बात करें फ्यूरॉन में, तो हीटरो एटम हमारा ऑक्सीजन है। तो सबसे पहली चीज इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसके जो दो लोन पेयर दिखाए गए यहाँ पर, तो वन ऑफ देम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जो दो लोन पेयर है उनमें से जो एक लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है वन लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। एज इट इज सेम हमारा थायरोफीन की बात करें और पायरोल की बात करें, तो दीज थ्री आर 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और इन विच द हेट्रो एटम सोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन तीनों कंडीशन में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन। 6 मेंबर की बात करें जो आपके सिलेबस में है, वो है हमारे पास पिरिडीन। तो पिरिडीन भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और सबसे जो आपको याद रखना है कि इसका जो ये जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है रेजोनेंस में। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर अभी हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये 5 मेंबर हम देख गया, 6 मेंबर अब फ्यूज्ड फॉर्म। तो फ्यूज्ड फॉर्म में हम लोग क्या देखेंगे, तो फ्यूज्ड फॉर्म में हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं इंडोल क्विनोलिन एंड आइसो क्विनोलिन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किसके रिगार्डिंग होगा, वो रिगार्डिंग सिंथेसिस एंड रीजन। तो उसमें भी रीजन तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंथेसिस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं जो इंडोल है, इंडोल की जो बेसिक सिंथेसिस जो होती है वो क्या है, फिशर इंडोल के नियम से है। क्विनोलिन की जो इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है वो स्क्रैप सिंथेसिस है, और आइसोक्विनोलिन की जो है वो विस्लर नेपियर की सिंथेसिस है। आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा सकता है, जा सकता है कि जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्रैप सिंथेसिस, स्क्रैप सिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आप टिक करेंगे वहां पर वो क्या होगा, क्विनोलिन। अब इनकी जो प्रिपरेशन जो होती है वो उसके थ्रू रीजेंट कौन कौन से यूज करते हैं, तो जैसे जो हमारे पास फिशर इंडोल है उसमें फेनिल हाइड्रोजोन और एसीटोन यूज़ किया जाता है, और क्विनोलिन की बात करें तो उसमें एनिलीन और ग्लिसरॉल यूज़ किया जाता है, और क्विनोलिन को हम लोग अल्फा बीटा बेंजो पिरिडीन भी कहते हैं, तो इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसीलिए देखो इसको बनाते भी हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड से इसको फॉर्म किया जाता है एनिलीन के साथ रिएक्शन करके, तो ये हमारे पास डॉपलर मिलर सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट हमारी आइसोक्विनोलिन जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, रीजन क्या यूज़ करते हैं, 2-फेनिल इथाइल एमीन यूज़ करते हैं, और उसकी रिएक्शन फॉर्माइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। देन उस रिएक्शन के थ्रू जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका डिहाइड्रेशन कराते हैं, डिहाइड्रेशन जो कराया जाता है वो P1O5 के थ्रू कराया जाता है। देन आफ्टर ऑल डिहाइड्रेशन जो
जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड कराई जाती है किसके थ्रू, रिडक्शन के थ्रू। रिडक्शन कौन करता है, यहाँ पर सिलीनियम करता है। तो फिर हमारे पास आइसोक्विनोलिन फॉर्म हो जाता है। तो आपको बस क्या याद रखना है, रिएजेंट याद रखना है, सिंथेसिस याद रखनी है, और उसका प्रोडक्ट क्या है वो याद रखना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी में अगर पहुँचते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक किस कार्बन पोजीशन पर होना है। तो ये इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक टेबल बना रखी है। और इस टेबल में आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपाउंड ESR मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और NSR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि किस पोजीशन पर वो होनी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस कार्बन को आप कौन सा नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ इसके अकॉर्डिंग, तो हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप हिट्रो एटम को ऑलवेज नंबर वन पोजीशन से इसको डिनोट करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास में इस तरीके से प्यूरॉन है, 1 2 3, आप इधर से भी 1 2 3 4 5 कर सकते, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फोर तो ये सेकेंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन हमारी सेम होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्यूरॉन में होती है वो कार्बन नंबर सेकेंड पर और कार्बन नंबर फाइव पर हो सकती है, और लगा हुआ है आप देख सकते हैं। NSR नहीं होती, बहुत रेयरली होती है NSR जो हो, अदरवाइज नहीं होती। सेम प्रॉपर्टी वही थायोफिन की और सेम वही प्रॉपर्टी पायरोल की। तो आपको अगर फ्यूरॉन की रिएक्शन पता हो गई तो आप थायोफिन भी कर सकते हैं और पायरोल भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज, दोनों की ही सेम है। अब इसके बाद पिरिडीन की बात करते हैं। तो पिरिडीन में देखिए, नंबर वन आपने यहाँ दे दिया इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कहाँ पर प्रोसीड होती है, एट कार्बन नंबर थर्ड पे। तो कार्बन थर्ड पर जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा जाके, वो पिरिडीन के केस में पोजीशन नंबर थर्ड पर जाएगा। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल हमारा पोजीशन नंबर टू एंड पोजीशन नंबर फोर पर प्रिफर करेगा। इसी तरीके से बात करते हैं इंडोल की। तो इंडोल में जो हमारे पास ESR रिएक्शन होती है वो पोजीशन नंबर थर्ड पर होती है, और NSR यहाँ पर नहीं होती है। क्विनोलिन की बात करते हैं, तो क्विनोलिन जो की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पिरिडीन से कुछ मैच करती है, क्योंकि उसी का ही कंडेंस फॉर्म है। तो ESR की अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ क्विनोलिन, तो एट पोजीशन नंबर 5 एंड 8 इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड। इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल पोजीशन नंबर 2 आर प्रीफर। तो सेकेंड पोजिशन पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कराएंगे, एंड 5th एंड 8 पर क्विनोलिन। तो ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अभी मैंने आपको क्या बताया कि सीक्वेंस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक जो हेट्रो एटम होता है वहाँ से पोजीशन नंबर 1 देते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, वो केस कौन सा, आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन में जो हम लोग 1 पोजीशन देते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और नाइट्रोजन को 2nd देते हैं। तो इसको याद रखिएगा, केवल ये एक्सेप्शनल केस है, बाकी सब में सेम है। एट कार्बन नंबर 5 और 8 जैसा क्विनोलिन में था, सेम यही ESR हमारी आइसोक्विनोलिन में होती है, लेकिन बस चेंज कहाँ है, NSR में। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर, यानी ये वाला 1 पोजीशन, और इसमें कार्बन नंबर 2 पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको किस पोजीशन पर कौन सी रिएक्शन करानी है, या तो फिर आप रट्टा लगाओ जितनी भी रिएक्शन है कि नाइट्रेशन पर NO2 सेकेंड पोजीशन पर अटैच होता है, सल्फोनेशन पे भी सेकेंड पोजीशन पर अटैच होता है, तो ये सब याद रखने की बात नहीं है। तो आपको बस क्या, पोजीशन याद नहीं। सपोज दैट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया गया कि फ्यूरॉन आपको गिवेन हो, रिएक्शन दे रखी हो, या ऐसे दे रखा हो समथिंग HNO3 और H2SO4, और आपसे कह दे कि बताओ यहाँ ए लिखा होगा, और प्रोडक्ट फॉर्म करने के कहेगा, आपको 4 ऑप्शन गिवेन होंगे, तो आपको कोई एक चूज करना होगा उनमें से। तो आपको पता है कि जो HNO3 जो होता है और H2SO4 होता है, ये हमारे पास में नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। अभी मैं ESR के भी कुछ रिएक्शन बताऊंगा इम्पोर्टेंट। तो ये रिएक्शन हमारी नाइट्रेशन होती है, और हमारा पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2 होता है। और मेरे को पता है ये रिएक्शन ESR है, अभी मैं आपको भी डिस्क्राइब कर दूंगा इसको, एक्सप्लेन कैसे पहचानेंगे। और ESR रिएक्शन जो होती है फ्यूरॉन में वो सेकेंड पोजीशन पे होती है, तो NO2 ग्रुप आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये आपको लर्न नहीं रखना है कि आप एक एक रिएक्शन तैयार करो, आपको बस फ्यूरॉन दिखा, हाँ
हमको पता है फिरॉन दिखा कि एस आर रिएक्शन समझ में आ गई कि सेकेंड पोजिशन पे होती है, हमने उठाया उसको इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दिया। अब किस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी हमारे पास रिएक्शन होती हैं वो कौन कौन सी रिएक्शन होती है, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा, तब तक हम लोग पोजीशन के ऊपर हमको इतना तो पता चलेगा कि रिएक्शन 2 पर होनी है, पोजीशन 3 पर होनी है या 4 पर होनी है, लेकिन हमको अटैच्ड क्या करना है यही नहीं पता होगा तो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ESR पता होनी चाहिए कि कौन कौन से होंगे। तो ESR में पहली रिएक्शन हमारी नाइट्रेशन आती है। नाइट्रेशन कब होती है? HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, NO2 ग्रुप होता है। अब जैसे ऊपर मैंने यही लिखा था, हमको पता है इलेक्ट्रोफाइल ये बनता है पोजीशन 2 पर उठाकर रख दिया। अब यही रिएक्शन चाहे फ्यूरॉन के साथ हो, यही रिएक्शन चाहे थायोफिन के साथ हो, यही रिएक्शन अगर चाहे पायरोल के साथ हो, हमको पोजीशन 2 पर करना है, क्योंकि हमको पता है कि एसआर रिएक्शन इन तीनों मर पोजीशन नंबर 2 पर होती है। अगर यही रिएक्शन पिरिडीन के साथ हो तो हमको पता है पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 3rd पे होती है, NO2 को पोजीशन 3rd पे लगा देंगे। और नंबरिंग करना तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे करना, इस तरीके से। तो सल्फोनेशन किसके थ्रू? H2SO4 के थ्रू इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा। ब्रोमिनेशन किसके थ्रू? Br2 रिएजेंट होगा, Br+ अटैच होता है। फ्रिडल क्राफ्ट में दो प्रोसेस आ जाते हैं हमारे, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। एल्काइलेशन कब होता है? CH3Cl के साथ होता है और रिएजेंट हमारा बनता है CH3 इलेक्ट्रोफाइल। एसिटाइलेशन जो होती है वो हमारी दो टाइप से हो सकती है, एसिटिल क्लोराइड भी लेते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड भी, तो दोनों के थ्रू ही रिएक्शन कराएंगे, तो सेम यही प्रोसीजर होता है। एक और प्रोसेस होता है, हालांकि ये इलेक्ट्रोफिलिक की मैकेनिज्म आती है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं होता है, इसका एडिशन होता है एल्डिहाइड ग्रुप का। तो रीमन टीमन रिएक्शन हो, सपोज इट जैसे आपसे ये कह दिया गया ये फ्यूरॉन है और ऐसे रिएक्शन आ गई CH3 और KOH, इस तरीके से दे दिया गया और आपसे कह दे कि बताओ यहाँ पर एक्स जो बनना है वो प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको पता है फ्यूरॉन में रिएक्शन कहाँ होती है? पोजीशन नंबर 2 पर, और 2 पर क्या आपको ऐड करना है? CHO ऐड करना है, और CHO यहाँ से ऐड कर दिया आपका यहाँ बन गया, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फर्फुरॉल कहते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसी ऑर्डर में अगर मैं बात करूं NSR रिएक्शन, तो NSR का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखो NSR केवल पिरिडीन में ही ज़्यादा पूछे आएगी, पिरिडीन और क्विनोलिन में। तो NSR में आपको जो रिएक्शन मिलेगी वो सोडामाइड के साथ मिलेगी, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ। तो इनकी जब रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जनरेट होगा और न्यूक्लियोफाइल NH2-। अब ये रिएक्शन अगर पिरिडीन के साथ होगी तो पोजीशन कौन सी? पोजीशन हमारी 2, तो ये कहाँ अटैच होगा? पोजीशन 2 में। कब? इन केस ऑफ पिरिडीन, जब पिरिडीन का केस लेते हैं ये। अब यहां से आगे हम लोग शिफ्ट करते हैं ऑर्डर की तरफ। आपको कुछ ऑर्डर हैं जो याद रखने हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है डोनेशन ऑफ लोन पेयर। जो लोन पेयर अपना जितनी जल्दी डोनेट कर देगा वो हमारा उतना ही अच्छा बेसिक नेचर, जैसे पिपरिडीन है इजिली रिमूव कर देगा उसके थ्रू। ये मैंने आपको बताया था कि पिरिडीन का जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन पायरोल में ये रेजोनेंस में आ जाता है, तो इसलिए ये क्या है, किसी को देने से पहले ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी का। तो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी में बेंजीन आता है सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर पिरिडीन। इन सब में अगर मैं बात करूं तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ पर जो लेस एरोमेटिक है वो है फ्यूरॉन। इसी वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक रिएक्शन दे सकता है, कौन सी रिएक्शन? डीएल सेल्डर रिएक्शन, और कोई भी ये रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि डीएल सेल्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है जो लेस एरोमेटिक होगा वही रिएक्शन दे सकता है, बाकी नहीं दे सकता। तो जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया कि विच एरोमेटिक विच हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिव्स डीएल सेल्डर रिएक्शन, और ऑप्शन में चार दिए जाए उसमें, तो आप किसको टिक करोगे? फ्यूरॉन को टिक करोगे। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रिगार्डिंग टू ESR। ESR के रिगार्डिंग अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो पायरॉल जो होता है वो सबसे फास्ट ESR रिएक्शन देता है, देन फ्यूरॉन,
देन थायोफिन एंड लास्ट में एयर हमारा पिरिडिन। और एनएसआर के थ्रू बात करोगे तो एनएसआर में क्या हो, जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये इस तरीके से। इसी के आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। रिडक्शन की बात करते हैं, तो रिडक्शन आप देख सकते हो कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ईच कार्बन कंटेन, सॉरी, ईच कार्बन कंटेन वन हाइड्रोजन। अभी सबके पास वन वन हाइड्रोजन है, और जब इसको रिड्यूस करेंगे तो फाइव बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होंगे, और रिड्यूस होने के बाद क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर और शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। अब क्या होगा कि ईच कार्बन कंटेन टू हाइड्रोजन, तो THF बना, इंपॉर्टेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। THF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो THF के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, और ये हमारे क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, NMR में भी एज अ रेफरेंस कभी कभी यूज करते हैं TMS की जगह। इसी के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें थायोफिन की, तो जैसा फ्यूरॉन में रिएक्शन वैसे थायोफिन में, सिमिलरली अगर बात करें तो वही पायरोल के थ्रू भी सेम वही रिएक्शन, पायरोलिडीन बनता है, इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में बात करें कि पायरोल और पायरोलिडीन में मोर बेसिक कौन होगा, तो पायरोलिडीन जो होता है वो मोर बेसिक, क्यों, क्योंकि इसका फ्री लोन पेयर है जो डोनेट हो सकते हैं, और पायरोल में लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाए, तो बेसिक ये क्या होगा, मोर बेसिक, ये हमारा क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अगर इसका पार्शियल रिडक्शन करा दें, केवल एक ही डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है पार्शियल रिडक्शन में। सिमिलरली पिरिडीन की बात करें तो सेम वही प्रोसेस, पिरिडीन में आते हैं, पिपरिडीन बनता है, इस तरीके से ये प्रोसीड कर जाता है। एक प्रॉपर्टी इसकी और भी है जो बेसिक कैरेक्टर इसका शो करती है पिरिडीन का, आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे हमारे पास ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, इसके लोन पेयर है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ करा दें तो ये क्या करती है, अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, H प्लस को एसिड के थ्रू रिएक्शन करेगा, और बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, तो ये इस तरीके से लोन पेयर डोनेट करके एसिड के H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, इसके आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से देख सकते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। सेम यही प्रोसेस एक और होता है CH3I के साथ भी, ये सेम प्रोसीजर यही करता है, और वहाँ से भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, लोन पेयर का डोनेशन होगा, CH3 को एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ से भी वो सॉल्ट का ही फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया लोन पेयर के थ्रू, उसने CH3 एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज, इसको पैरालाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालाइजिंग इफेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट हेट्रोसाइक्लिक, और आपको मैं अब यहाँ से पॉइंट्स बता दूँ कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें तैयार रखनी है वो क्या है कि हेट्रो एटम जो होंगे उन सबका क्या पता होना चाहिए आपको, हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला जो है आपको क्या पता होना चाहिए इनका सबका, हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड आपको क्या पता होना चाहिए इनके बारे में, सेकेंड आपको पता होना चाहिए पोजीशन, कि किस पोजीशन पर आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, जो ESR और NSR रिएक्शन है वो किस पोजीशन पर हो रही है। थर्ड सिंथेसिस आपको पता होनी चाहिए कि सिंथेसिस आपकी किस सिंथेसिस के थ्रू क्या बनना है, उनका नेम बेसिकली फॉर कंडेंस्ड फॉर्म, जो इंडोल और फिस और हमारे पास में क्विनोलिन आइसोक्विनोल, इनके लिए। थर्ड आपको जो याद रखना है वो है ऑर्डर, थर्ड जो आपको याद रखना है ऑर्डर, ऑर्डर किसके भी रिगार्डिंग, जैसे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या है। देन आपको जो रिएक्टिविटी का क्या है, ESR NSR के थ्रू, और बेसिसिटी। तो आपको जो क्वेश्चंस देखने मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको इन्हीं पॉइंट से जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको इसी को ही तैयार करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप चाहते हैं अगर इसी तरीके से आपको और भी एग्ज़ाम डोज मिले, तो
तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी आपके फ्रेंड लोगों को ये चीज़ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।